सैनिक रेजिडेंसी एकेडमी आगरा द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। बाल दिवस के अवसर पर कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी योग्यता का परिचय दिया। बाल दिवस के अवसर पर आए अतिथियों का एकेडमी के प्रबंधक बीके सिंह ने फूल माला पहनाकर और मोमेंटो देकर स्वागत सम्मान किया। खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन कर उनको बधाई दी। मैं वीके सिंह, डायरेक्टर सैनिक रेजिडेंस एकेडमी में, आज हम लोगों ने बाल दिवस यानी 14 नवंबर 2022 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर हम लोगों ने एकेडमी के बच्चों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा साधारण दौड़, नींबू दौड़, तीन टांगों की दौड़, बोरा दौड़, जलेबी दौड़, आज तमाम दौड़ों का आयोजन किया है। और इस उद्देश्य से कि इस दौड़ की रफ्तार से बच्चे दौड़ें और शारीरिक और मानसिक स्तर को बढ़ाकर इस देश का भविष्य जो हमारा उनको स्वस्थ रहना चाहिए और सुनहरा रहना चाहिए। इस उद्देश्य से कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है एक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य से हमने ये खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया है। चलो मैं देखिए, 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के साथ वो काफ़ी प्रेम करते थे, इसलिए बाल दिवस के रूप में से मनाया जाता है। और आज यहाँ जो एक्टिविटी इनके द्वारा कराई जा रही है, बौद्धिक रूप से तो इनको विद्यालय में शिक्षा दी ही जाती है, शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्पोर्ट्स की कई एक्टिविटी आज इन्होंने कराई हैं जो है। और बच्चे धीरे धीरे करके जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद स्टेट लेवल पर और अपने जो है नेशनल लेवल पर भी खेल में प्रतिभाग करके जो है अपने माँ बाप का, विद्यालय का और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे।